बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। विंडोज 10 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल और एक नया फीचर जो ऐड हुआ है उसका नाम है कोर्टाना। कोर्टाना असल में माइक्रोसॉफ्ट का एक गेम करेक्टर है, परंतु यहाँ पे हमारे पास कोर्टाना एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। कोर्टाना में काफी सारे फीचर्स उपलब्ध हैं, हालांकि कुछ फीचर्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है और कुछ फीचर्स आपके पास पहले से एक्टिवेटेड होते हैं। कोर्टाना में ना केवल आप लोकल सर्च कर सकते हैं बल्कि साथ ही वेब पे भी सर्च कर सकते हैं, अर्थात आप जो चीज ढूंढ रहे हैं ना केवल आपके कंप्यूटर में वो ढूंढी जाएगी बल्कि उसको ऑनलाइन भी सर्च किया जाएगा। यदि आप स्टार्ट के साथ सर्च द वेब एंड विंडोज टेक्स्ट बॉक्स को देखें तो ये कोर्टाना के लिए एक इंटरफेस का कार्य करता है। आप यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सर्च की जाती है वेब और विंडोज पे, अर्थात आपके लोकल कंप्यूटर पे और साथ ही इंटरनेट पे ऑनलाइन। यहाँ यदि मैं क्लिक कर दूँ तो आपके पास एक कोर्टाना का इंटरफेस खुल जाएगा। कोर्टाना के फीचर्स प्रयोग करने के लिए आपको कोर्टाना की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। अभी हम आने वाले सेशन में उन सेटिंग्स को भी देखेंगे, परंतु पहले हम जानते हैं कि कोर्टाना हमारे लिए क्या क्या कर सकता है और कैसी कैसी सुविधाएं हमें दे सकता है। यदि आपने अपने कंप्यूटर में कोर्टाना का सेटअप नहीं किया है और आपके पास पहली बार आप इस बॉक्स को खोल रहे हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध होगा जिसमें कोर्टाना अपने बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे यहाँ पे कोर्टाना के फीचर्स की जानकारी उपलब्ध है एक लिस्ट के रूप में। आप कोर्टाना में रिमाइंडर लगा सकते हैं। रिमाइंडर आप समय अनुसार, प्लेस अनुसार, दोनों या व्यक्तियों के अनुसार भी लगा सकते हैं। आप कोर्टाना को वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। आप मैसेजेस डिक्टेट कर सकते हैं और ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी आप ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर पे हो या ऑनलाइन हो और चाहे आपकी वन ड्राइव पे ही क्यों ना पड़ा हो, ये आपको आसानी से उन कंटेंट्स को खोजने में मदद करता है। यदि आप अपने डेटा को शेयर करते हैं कोर्टाना के साथ तो पहले से दी गई हिस्ट्री के अनुसार आपको काफी सारे सुजेशंस भी देता है, साथ ही आपको आपके लोकेशन और आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको जानकारियां देता रहता है। जैसे कि कुछ अगर नए पैकेजेस या कोई डील अवेलेबल है या किसी फ्लाइट्स के बारे में आपको जानना है तो इन सभी की जानकारी आपको कोर्टाना के द्वारा यही इसी बॉक्स में उपलब्ध हो जाती है। आप इवेंट्स, ट्रैफिक, वेदर, जॉक्स या अगर खेलों के शौकीन हैं तो स्कोर्स की जानकारी, और इसी तरह से यदि न्यूज़ पढ़ना, देखना या सुनना पसंद करते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ अवेलेबल रहता है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कार्य कोर्टाना कर सकता है। तो ये हमने छोटी सी लिस्ट देखी है जो कोर्टाना हमारे लिए कर सकता है, परंतु कोर्टाना को प्रयोग करने के लिए इसका सेटअप करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर पे कोर्टाना को पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी इसका सेटअप नहीं है, परंतु कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं इसको आसानी से सेटअप कर सकता हूँ ताकि कोर्टाना के सभी फीचर्स का प्रयोग मैं आसानी से कर पाऊँ। परंतु कोर्टाना को प्रयोग करने से पहले हम क्यों ना कोर्टाना के इंटरफेस की थोड़ी सी जानकारी लें। जब आप क्लिक करते हैं सर्च द वेब एंड विंडोज टेक्स्ट बॉक्स पे तो कोर्टाना का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाता है। यदि आप यहाँ लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ एक मेन्यू का बटन है तीन बार्स के रूप में। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते हैं यहाँ पे, जैसे सर्च, होम, सेटिंग्स और फीडबैक, और नीचे आपके पास ट्राई कोर्टाना के नाम से एक बटन भी अवेलेबल है। यदि मैं अपने कंप्यूटर में या इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं कुछ भी टाइप करके कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। कुछ भी सर्च करने के लिए मैं इस सर्च द वेब विंडोज टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करूँगा। यहाँ मैं गोल्डन टेम्पल को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ गोल्डन टेम्पल टाइप करना शुरू कर देता हूँ। अब देखेंगे जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ऊपर की तरफ बेस्ट मैच सेक्शन में जो भी कंटेंट अवेलेबल है इन वर्ड्स से रिलेटेड, उनकी जानकारी मेरे पास ऊपर अवेलेबल होती चली जाएगी साथ में। जैसे यहाँ मैं गोल्डन टेम्पल टाइप कर देता हूँ, यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो बेस्ट मैच ऑप्शंस में अवेलेबल है गोल्डन टेम्पल, आप वेब पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इसी तरह से नीचे की तरफ लोगों के द्वारा सर्च किए गए वर्ड्स को भी प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर ढूंढा है और इसी तरह से काफ़ी सारे लोगों ने गोल्डन टेम्पल मेन्यू भी ढूंढा है। यहाँ मैं नीचे देखूँ तो दो सेक्शन मेरे पास और हैं, माई स्टफ और वेब। यदि मैं चाहता हूँ गोल्डन टेम्पल के बारे में इंटरनेट पे कोई जानकारी प्राप्त करना तो मैं वेब पे क्लिक करूँगा।
परंतु यदि मैं चाहता हूँ लोकल कंप्यूटर में सर्च करना तो माई स्टफ पे क्लिक कर दूंगा। अभी मैं माई स्टफ पे क्लिक कर देता हूँ। गोल्डन टेम्पल वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास कंप्यूटर में है उसकी सारी जानकारी इकट्ठी करके आपको यहाँ दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी रिजल्ट्स अवेलेबल हो गए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सॉर्ट और शो दोनों ऑप्शन हैं। सॉर्ट में आप रिसेंट और रेलेवेंट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, रेलेवेंट में मिलते जुलते और रिसेंट का अर्थ कुछ समय पहले जो प्रयोग किए गए हैं। शो में आपके पास कहाँ कहाँ आप सर्च करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, फोल्डर्स पे, ऐप्स में, सेटिंग्स में इत्यादि। परंतु मैंने ऑल सेलेक्ट किया है तो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, किसी भी टाइप की फाइल हो, अगर गोल्डन टेम्पल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो वो जानकारी दी जाएगी। नीचे आपके पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ दो रिजल्ट अवेलेबल हुए हैं। पहला रिजल्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में है। यदि आप यहाँ इस फाइल के नाम में देखें तो कहीं भी गोल्डन टेम्पल वर्ड नहीं यूज हुआ है, बल्कि इस फाइल के अंदर किसी जगह पे गोल्डन एप्पल वर्ड का प्रयोग किया गया है उसके टेक्स्ट में। इसका अर्थ ये हुआ कि कोर्टाना के द्वारा ना केवल फाइल्स के नाम्स को सर्च किया जाता है बल्कि फाइल के कंटेंट्स को भी चेक किया जाता है ढूंढते समय। यदि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ नीचे की तरफ देखें तो गोल्डन टेम्पल RTF अर्थात एक रिच टेक्स्ट फाइल, एक फाइल मेरे पास वर्ड पैड की है जो नीचे की तरफ गोल्डन टेम्पल नाम है जिसका, वो भी अवेलेबल है। नीचे देखें तो अब लोकेशंस भी दिखाई गई है, जैसे ऊपर वाली फाइल डेस्कटॉप पे है और नीचे वाली भी डेस्कटॉप पे है। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। आप यदि राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करें तो आप डायरेक्टली उस फाइल के लोकेशन पर चले जाएंगे जहाँ पर ये फाइल अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गया हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं। देखिए मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोल के देख लेता हूँ तो बिल्कुल यहाँ कई बार गोल्डन टेम्पल वर्ड को प्रयोग किया गया है, इसी कारण से सर्चिंग में इस फाइल का रिजल्ट भी दिखाया गया है। परंतु ना केवल आप लोकल फाइल के लिए बल्कि इंटरनेट पे या वेब पे भी आसानी से सर्च कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट को। इसके लिए आप यदि यहाँ ध्यान दें तो बेस्ट मैच के नीचे गोल्डन टेम्पल RTF जो लोकल फाइल है उसकी जानकारी है, परंतु वेब सेक्शन में नीचे की तरफ उन सर्चिस की जानकारी है जो पहले से लोगों ने सर्च किया है। अब मान लीजिए मैं गोल्डन एप्पल अमृतसर के बारे में वेब पे सर्च करना चाहता हूँ तो बस मुझे यहाँ पे इस सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके पास राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है किस प्रकार आप सर्च रिजल्ट को देखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा ब्राउज़र इंस्टॉल हैं तो मैं इनमें से किसी का प्रयोग करके आसानी से इस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर देख सकता हूँ। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग करना चाहता हूँ। नीचे देखें यहाँ पे एक बटन है चेकबॉक्स ऑलवेज यूज दिस ऐप। यदि आप इसे चेक रखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अगली बार ये आपसे जानकारी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली उसी ऐप से आपका ये सर्च रिजल्ट खोलेगा जिस ऐप से आप इसे खोलना चाहते हैं। परंतु यदि मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो आप अगली बार भी आपके पास ये बॉक्स अवेलेबल होगा, आपसे आपके पसंदीदा ब्राउजर की जानकारी मांगी जाएगी। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग करना चाहता हूँ तो मैं उसे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे जो फ्रेज ऑफ वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है उसके अनुसार यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। और माइक्रोसॉफ्ट डिफ़ॉल्ट रूप में अपने बिंग सर्च इंजन का प्रयोग करता है इन्फॉर्मेशन को खोजने के लिए। तो यहाँ पे बिंग रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। नीचे की तरफ काफ़ी सारे वेबसाइट्स के लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से खोज सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। यदि आप चाहें तो नीचे की तरफ वेब सेक्शन है, वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अब वेब पे क्लिक करें, आपके पास फिर से वही बॉक्स अवेलेबल है। यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि फिर से वही रिजल्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। तो इस प्रकार आप इन रिजल्ट्स का प्रयोग करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं।